हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने का अग्रसर। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता, आप सारा का घना स्वागत करूस हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो आज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक बड़ी और अहम खबर की गेलियां सारे दर्शकों तक बता दें, जो कि चंडीगढ़ के शामी आने लग रही है। सीएम मनोहर लाल का बयान शामी आया है, अरुण ने बाबरी मामले में जो फैसला सबक शामी आया उसका स्वागत कराया है। प्रदेश में धान की खरीद जारी से सीएम मनोहर लाल की ओटैया बात भी कही गई है। अन्यू भी कहा है कि प्रदेश के किसानों ने कोई परेशानी नहीं आने देंगे, किसानों ने परेशान नहीं होने देंगे। इसकी गल अनु कहा है कि एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदी जाएगी। उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस किसानों में भ्रम फैलाने लग रही है। कहा है कि किसान जो से सरकार की व्यवस्था तक खुश है, लेकिन कांग्रेस किसानों में भ्रम फैलाने लग रही है। और इससे बीच बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी और चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवार तय करा जाएगा। बैठक होगी जिसमें बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी और फिर उम्मीदवार तय करा जाएगा। और सीएम मनोहर लाल ने दावा कराया है कि बड़ौदा सीट तो हम जीतांगे। कहा है कि सरकार के 5 साल के कामकाज पर हम चुनाव लड़ांगे और विकास के नाम पर विपक्ष ने बड़ौदा में कुछ भी कोना कराई, हम बड़ौदा का चौतरफा विकास करके दिखावांगे। तो इस टाइम एक और बड़ी खबर हमारे सामने आने लग रही है, जो कि सारे दर्शकों तक बताने लग रहे हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की एक अनौपचारिक बैठक आज होनी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। सारे दर्शकों तक भी जानकारी दे दें कि थोड़ी आण में सीएम आवास पर बैठक होगी। या तो बैठक का जो टाइम था वो 6 बजे का बताया गया था, लेकिन 6 बज लिए हैं, 1 मिनट ऊपर हो लिया है। तईब थोड़ी आण में इस बैठक की शुरुआत होगी। जुकर आप सारे ने बेरा से अक सीएम मनोहर लाल जब तक कोरोना तक रिकवर हुए हैं तो लगातार वह बैठक का दौर करते रहे हैं, चाहे बात बड़ौदा उपचुनाव की हो, चाहे किसी सरकारी महकमे में काम की हो, चाहे किसानों की बात हो, तो वह लगातार बैठक करते रहे हैं। बैठक का दौर जारी रहा था। अनौपचारिक बैठक से हरियाणा मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी और थोड़ी आण में सीएम आवास पर बैठक शुरू हो जाएगी। तो चलो इस टाइम की एक और बड़ी अहम खबर सारे दर्शकों तक बता दें, जो कि इस टाइम न्यूज है। बड़ौदा उपचुनाव तो पहले बीजेपी ने बाय बाय बोले, कृषि कानूनों के विरोध में श्याम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़ दी। और बीजेपी के पूर्व विधायक से श्याम सिंह राणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तो इस्तीफा भेजा था। बड़ी अहम खबर सारे दर्शकों तक बताने लग रहे सा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तय इस्तीफा भेजा था और श्याम सिंह राणा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यू इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो बड़ौदा उपचुनाव तो पहले बीजेपी का करड़ा झटका लग गया है और इस करड़े झटके में कृषि कानूनों के विरोध में श्याम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी के पूर्व विधायक से श्याम सिंह राणा, बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तय ने इस्तीफा भेजा था जो कि मंजूर कर लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो कृषि कानूनों के विरोध में श्याम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़ दी। बड़ौदा उपचुनाव तो पहले बीजेपी का करड़ा झटका यो लग गया है, क्योंकि कृषि कानूनों का विरोध किसान तक करड़ा लाग रहे थे, लेकिन ईब पार्टी के जो भीतर के नेता से वह भी इन बिलों का विरोध करने लाग रहे थे, इन कानूनों का विरोध करने लाग रहे थे। तो श्याम सिंह राणा ने हालांकि स्पष्टता नहीं कराया है कि वह कौन सी पार्टी में जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता जो भी हुक्म देंगे, कार्यकर्ता जिस भी पार्टी में राजी होंगे उड़े हम जावांगे, उन तय हम कहांगे कि भाई तो हम किसानों के हित का काम करने लाग रहे, सो थारी पार्टी हम ज्वाइन करांगे। तो खबर बताने लाग रहे सा कि कृषि कानूनों के विरोध में श्याम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़ी और इस्तीफा भेजा था बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने। फिर उसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस्तीफा मंजूर कर लिया था। तो टीवी स्क्रीन पे भी आप देखने लाग रहे सो, आ तस्वीर हमने दिखाने लाग रहे सा, देखो इस्तीफा भेजा, इस्तीफे की कॉपी से जो सारे दर्शकों तक दिखाने लाग रहे सा, क्योंकि देखो कृषि कानूनों का विरोध किसान तक करने लाग रहे हैं, लेकिन ईब पार्टी का भीतर भी जो नेता से उन्हें भी इस मुद्दे पे अपनी राय देनी शुरू कर दी से, बगावती सुर जो से वो तेज कर दिए से।
ते श्याम सिंह राणा ने ये बताई कि से पार्टी में जाने की पुष्टि नहीं करी से अधिकारी कुंड की ओर तक कोई बयान नहीं दिया गया सर, लेकिन हमारे चैनल पर हमें जुड़े और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जुन से भी पार्टी में कहेंगे जो किसाना की तैशी पार्टी होगी वो मैं ज्वाइन करूंगा और कार्यकर्ताओं की मानूंगा, क्योंकि देखो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा से किसाना का हित देखते हुए किसान हितैषी होते हुए उनने बीजेपी छोड़ी है, जहां तक बीजेपी जो है कानून लेकर आई से ये किसाना खातर सही कानून को ना। इससे बीच उनने कांग्रेस पार्टी में जान की भी जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी तो इन बिलाना अपनी सरकार के दौरान ठान लाग रही थी, तो इसे मैं तो चोगर दे तो किसाना पर सियासत होने लाग रही से, किसान फिलहाल वोट बैंक तो बनकर रहने लाग रहे से, इब विपक्षी पार्टी से किसाना की गेले आ गई, अच्छा जो सरकार से उसने किसान लगातार उसका विरोध करने लाग रहे से, तो उनका न्यू कहना से किसाना पर तो राजनीति होती रही से, लेकिन ईसा नेता जो कि किसाना की सदा आवाज उठाता रहा है जो सदा किसाना के हितैषी रहा है, तो न्यू में उन्होंने कहा से अकबर तो किसाना की आवाज उठाते रहेंगे, जड़ कुछ गलत होगा उड़े भी वह अपनी आवाज ने ठांगे। तो इससे बीच हमारी गला संवाददाता कुलदीप सैनी जुड़ गए से, कुलदीप जोकर हम खबर दिखाने लाग रहे सा कृषि कानूना के विरोध में श्याम सिंह राणा ने बीजेपी छोड़ दी, तो एक यो उनका बड़ा फैसला भी माना जाता है किसाना की धरती से जवाना की धरती से, तो किसे नेता ने आगे आकर अपनी बात रखी है बीजेपी पार्टी जो से सत्ताधारी पार्टी से और इससे के खिलाफ जो से पार्टी छोड़ दी उनने। हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि सभी पार्टियां हालांकि किसानों की बात मजदूरों की बात करती है, लेकिन जिस प्रकार से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा द्वारा किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया गया जैसा कि उन्होंने भी बताया, तो एक बड़ी बात कहा जा सकता है क्योंकि ज्यादातर लोग जो है किसानों के ज्यादातर जितने भी नेता लोग हैं वो सिर्फ किसानों की बातें करते हैं, लेकिन असल में जो धरातल पर जो चीज होती है वो आज पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने करके दिखाई है ऐसा लग रहा है जी। अच्छा कुलदीप, सवाल न्यूबी से है कि यही कौन सी पार्टी में जाएंगे, जहां तुम्हारी गला लाइव जुड़े थे ये अरे नन्नू कहा था कि बताई तो मैं आधिकारिक तौर पर बता नहीं सकता कि कौन सी पार्टी में जाऊंगा, लेकिन जड़न लगेगा कि यह पार्टी किसाना की हितैषी है या फिर ये लोग किसाना के हितैषी उनका मैं समर्थन करूंगा, तो इस बाबत आप दो रखे मैं जानकारी आई हो कि मैं अपडेट आई हो तो वह भी बताओ। देखिए बता दो कि जिस प्रकार से राणा जी हमने इस बारे में सवाल भी किया था कि आप जो है आपका अगला जो राजनीतिक जो रहेगा आपका क्या कुछ रहेगा, तो उन्होंने हालांकि इसके पत्ते तो नहीं खोले लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि वो आगे जो है अगली पारिस्थिति में किसी ऐसी पार्टी को जरूर खोलेंगे खेलेंगे जिससे जो किसान जीतती होगी। अभी तक अगर देखा जाए तो INLD मैं कह सकता हूँ अपनी तरफ से वो लग सकता है कि INLD में जो है वो अपनी अगली पारी जो है वो खेल सकते हैं। अच्छा जो इलाके में उनके इस फैसले की बात करा तो सूबे के लोग क्या कि मैं कहने लाग रहे थे प्रतिक्रिया शामी आने लाग रही से कार्यकर्ताओं की ओर से लोग बागा की ओर से जी अपना प्रश्न जो है दोबारा तो कुलदीप मेरा सवाल न्यूज है कि उनके इस फैसले ते सूबे के जो लोग से जो उनके कार्यकर्ता से वह की मैं कहने लाग रहे थे प्रतिक्रिया उनकी ओर से शामी आने लाग रही से। बिल्कुल देखिए जैसे ही उन्होंने श्याम सिंह राणा द्वारा जो है इस्तीफे की जो खबर जैसे ही सभी मीडिया हाउस में चली मीडिया में चली है तो उसके बाद से जो है लगातार जो है पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा के जो समर्थक हैं वो उनके जो है निवास पर पहुंच रहे हैं और राणा जी को जो है प्रॉपर जैसा हमारी बात अभी पूर्व विधायक से हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो मैंने ये फैसला किसानों के हक में लिया है तो लगातार जो है जो मेरे समर्थक हैं वो मेरे पास पहुंच रहे हैं और इस फैसले का जो है उनके द्वारा लगातार जो है स्वागत किया जा रहा है। हालांकि जो पूर्व मंत्री रहे हैं रादौर के उनकी तरफ से भी एक अभी हमने उससे फोन पर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि राणा जी ने जो है अभी तक पार्टी के साथ जो है विश्वासघात किया है, कोशिश करेंगे कल हम उनका भी जो है बाइट लेकर उनका भी पूरा जो है वर्जन ले जी। बहुत बहुत घना शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी ताई ते बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा जी ने बीजेपी ते इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा उनका मंजूर भी कर लिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने। तो फिलहाल किसानों पर राजनीति तेज होती जाने लग गई, बरोदा उपचुनाव भी कति लोवांदा जा रहा था, इससे बीच आपने बता दें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ पंचकूला में एक कार्यक्रम में पहुंचे
उन्होंने फिर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की मदद खातर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों का नुकसान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करी और आज कांग्रेस किसानों के हित की बात करने लग रही है। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दे पर उन्हें अपनी बात भी साझा करी से। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जो फैसला से हमने सदैव न्यायालय का सम्मान कराया सर कहा कि फैसला देर तो आया लेकिन दुरुस्त जरूर आया। वहीं श्याम सिंह डाणा के बीजेपी छोड़ने और अकाली दल का गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध वह लोग करने लग रहे हैं जिन्हें इस कानून का ठीक तक ज्ञान कोन्या, जिन्हें इस कानून का बेरा कोन्या, जबकि यो कानून तक किसाना तक कुछ लेके नहीं बल्कि किसाना तक बोध के मैं देख कर जागा। उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर उन्हें कांग्रेस पर चुटकी लेते उन्होंने कहा अकम बड़ौदा उपचुनाव किसान कानूना के मसले पर लड़ लें शायद उनकी बेरोजगारी दूर हो जाए, या तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी बेरोजगार पार्टी बताई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते से भी, हमने हमेशा ही कोर्ट का सम्मान किया और आज भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं कि उन्होंने जस्टिस दिया। लगता है कि लंबा हो गया न्याय मिलने? नहीं, आप समझ सकते हैं कि आपको पता है कितना ज़्यादा प्रेशर है, कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, फिर भी देर से चलो भले ही मिला लेकिन मैं समझ अच्छा फैसला आया और हम सब इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो इस कानून ने किसानों को कुछ ना कुछ दिया ही है पहले से ज़्यादा, जो कुछ उनके पास था उसमें से कुछ भी नहीं लिया। जिस दिन ये हम समझ लेंगे हम सब लोग किसान कानून के पक्ष में ही खड़े हुए दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी, एक हिंदुस्तान के नागरिक। एक ओर तो कृषि कानूनों का विरोध किसान करने लग रहे हैं तो दूसरी ओर धान की फसल लेकर भी किसान विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं। किसानों ने धान खरीदने लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। धान की खरीद न होने पर बिफरे किसानों ने प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। किसानों का कहना सके वे कई दिन तक मंडी में धान की फसल लेकर आ रहे थे लेकिन सरकारी एजेंसियां खरीदने तैयार को नया। किसानों का आरोप है कि सरकार उनके गैला वादा खिलाफ करण लाग रही है। छह तस्वीर अपना हम दिखाने लग रहे सा न्यारी न्यारी जगह केसंद पीहोवा सोनीपत करनाल और पंचकूला रंबाड़ा की जेड किसान विरोध प्रदर्शन करे से उनकी धान की फसल मंडी में ताली लेकिन आड़े के जो अधिकारी से फसल ने खरीदन को न लाग रहे। जहां तक किसान जो से छो में से चार और तस्वीर अंबाड़ा की बल्लभगढ़ की उकलाना की यमुनानगर की तो प्रदेश के किसान अब तक कृषि कानूनों का विरोध करने लाग रहे थे लेकिन ईब उनकी धान की फसल को न खरीदी जा रही। ईब उनका जो विरोध से वो और घना तेज हो गया से। तो किसानों के धान की फसल की खरीद भी कोन्या हो रही है जिसने लेकर किसान विरोध प्रदर्शन करने लाग रहे हैं। तईब विपक्ष भी इस मसले पर सरकार पर हमला बोलने लाग रहा है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने नुके आके प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने का गठबंधन सरकार का दावा तक अति फैल हो गया। करनाल कुरुक्षेत्र कैथल रंबाड़ा की मंडिया में किसानों का धान नहीं बिक रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि दाना दाना खरीदेंगे लेकिन ईब धान खरीद पर भी कैप लगा दी। किसान की प्रति एकड़ 33 क्विंटल धान की खरीद करी जा रही है और कृषि के काले कानूना के बाद किसान जो से न्यूकन दाग रहे हैं कि चैत है उनकी फसल खरीदी जा ना तो वे और भी घना बड़ा प्रदर्शन करेंगे। खरीद के लिए सरकार के सारे दावे जो हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। यही हाल किसानों के साथ करा था जब गेहूं की खरीद हुई थी और आज जो किसान जो हैं अपनी मंडी ट्रॉलियां ले के जो हैं वहां पे पहुंचे हैं चारों मंडियों के अंदर कुरुक्षेत्र अम्बाला इधर कैथल और करनाल के अंदर, यहाँ चारों मंडियों के अंदर भार रोष प्रकट कर रहे हैं क्योंकि उनका जो है वहाँ पर खरीद पूरी तरह से हो ही नहीं रही है।
कहा था कि एक एक दाने को खरीदा जाएगा, उस पर भी 33% जो है, वो जो 33 क्विंटल जो है उसके ऊपर इन्होंने कैप लगा दी है। मुख्यमंत्री जी का मैं अभी एक वो पढ़ रही थी बयान, उन्होंने कहा था कि हम जो है पूरा जो है उपज जो है उसको खरीदेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जो किसान भाइयों ने मुझे बताया कि उनके जो है फोन के ऊपर मैसेज आ रहे हैं, मैसेज के ऊपर ये लिखा गया है कि 8 क्विंटल, किसी को 5 क्विंटल, किसी को 3 क्विंटल, कि इतना जो है आप मंडियों के अंदर लेकर आ जाओ। तो अब इस तरह से अगर जो है खरीद होगी और एक किसान जो है 250-300 क्विंटल अगर वो अभी अपनी नहीं बेच पाएगा तो किस तरह से काम चलेगा, और उसका भाड़ा ही इसका इतना लग जाएगा। तो पूरी तरह से मैं समझती हूँ ये सिस्टम जो है ये सरकार का ये पूरी तरह से फेल हो चुका है, और ये गठबंधन सरकार जो है किसानों के लिए एक मुसीबत जो है बनकर सामने खड़ी हो गई। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने प्रदर्शन कराया, उनके कार्यकर्ताओं और उनके जो है किसानों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन कराया। तो उन्होंने न्यूबी कहा कि बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बोले कि बड़ौदा उपचुनाव में वो किसान अपील करे से कि बीजेपी नेताओं के गेला वो सलूक करे जो उन्होंने किसानों की गेला करा से तैयार टाइम में इब गंभीर परिणाम उन्हें देखने मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि जो हाल किसानों का पीपली रैली में कराया है तो यो हाल बड़ौदा उपचुनाव में इन बीजेपी नेताओं का करना से। वो कह रहे हैं कि हमें 19 मॉइस्चर की जीरी चाहिए मंडी में, हम तब उठाएंगे, 17 वाली चाहिए, वो 17 वाली छोड़ वो 15 वाली भी नहीं उठाई अभी तक दोनों ने। तो कल हम उनके पास गए थे और जो सेलर वालों का और सरकार का डिस्प्यूट है हमने उसको हमारी भी समस्या बीच में, हमने ये कहा था कि आप मॉइस्चर के पॉइंट छोड़िए, अगर आप 22 तक भी खरीदें तो भी आपको नुकसान नहीं है, क्योंकि सेलर वाले हम कट देने के लिए तैयार हैं, जितने हमारा मॉइस्चर है उतने किलो हमारे से कट ले लें, पिछले सालों में ये होता रहा है। तो उस पे हमारी सहमति कल नहीं बन पाई है कि हमारा अनुरोध है वहाँ के किसानों से, वहाँ के ग्रामीणों से, कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ पे जाए उसके साथ वो भी ऐसा सलूक करें जैसा इन्होंने हमारे साथ की। धान की फसल जो सा किसानों की मंडिया मानी शुरू होगी से बाजरे की फसल न लेकर भी सरकार की ओर से तैयारी करी जा रही है। 1 अक्टूबर तक मंडिया में बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद करी जाएगी। इसने लेकर जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करी गई, जिसमें जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों ने उनकी फसलों की बिक्री में किसी ढाला की समस्या न हो जहां तक विशेष प्रबंध करे जा। इस दौरान उन्होंने सारी मंडिया में खरीफ फसलों की खरीद खातर ढाला के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए, और वहीं मंडिया में कोरोना वायरस से बचाव खातर भी व्यापक प्रबंध करे गए। मंडिया में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करी गई है। कल से बाजरे की परचेज एजेंसी द्वारा की जाएगी। रेवाड़ी जिले में लगभग 46,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। हमारी सभी तैयारी पूरी है, हमने अपना कंप्यूटर सेटअप, लैपटॉप, आईटी हार्डवेयर वगैरह का प्रबंध कर दिया है। सफाई पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है, कोई छोटी मोटी कमी उसको हम दूर कर रहे हैं, इसीलिए आज मंडी में आए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि 1 अक्टूबर तक मंडिया में खरीद होगी और क्यूकर की खरीद होगी। ग्राफिक्स के जरिए थारी टीवी स्क्रीन पे हम बताने लाग रहे था कोसली रेवाड़ी बावल अनाज मंडिया में खरीद होगी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की बाजरे की खरीद होगी। 2,150 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर अपनी फसल ने बेच सकेंगे और किसाना तय एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। उससे तारीख ने बाजरे की उपज मंडिया में लेकर ने किसाना नाना पड़ेगा और जिले के 46,827 किसानों ने इब तक रजिस्ट्रेशन करवाया से। जिले के 46,827 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। बाजरे की बिक्री खातर मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बाजरे की बिक्री खातर जो से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। 1,79,186 एकड़ में बाजरे की इबकी बार आड़ खेती हुई से। बाजरे की खरीद हैफेड और वेयर हाउस एजेंसियां के मार्फत मंडिया में होगी और जिले में बाजरे की उपज 1 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक खरीदी जाएगी। तो सारे किसान भाइयों तक हमने ग्राफिक्स के जरिए सारी जानकारी भी दे दी है कि क्यूकर के 1 अक्टूबर तक मंडिया में खरीद होगी। बाजरे की फसल की जो खरीद है उसकी जानकारी मुख्य तौर पर इस खबर में हमने सारे किसान भाइयों तक पहुंचाई है।
तईब किसान जो से अपने धान की फसल ने काटन लाग रहे से धान की फसल कट भी गई से तईब किसाना द्वारा जो फसला के अवशेषों का के कीमत कराए बड़ा सवाल बन रहा है। ते कृषि विभाग टोहाना तो पिछले तीन महीना तक कई जगह तक खबर मिली है कि पराली फूकन लाग रहे हैं किसान, यानी कि फसलों के फास फूकन लाग रहे हैं। इस मामले में कृषि विभाग ब्लॉक सतर पर कमेटी बनाकर जांच के काम में जुट रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि जांच में दोषी जो किसान होगा उस पर जुर्माना लाया जाएगा, साथ ही FIR भी दर्ज कराई जाएगी। SDO मुकेश ने बताया कि इन दिनों जिला उपायुक्त की ओर से धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत कोई भी किसान अपने खेतों में पराली नहीं जला सकेगा। कृषि विभाग की ओर से जो जागरूकता कार्यक्रम इस बारे में चलाए जा रहे थे, तो वही ब्लॉक स्तर में ग्राम स्तर पर कमेटी का गठन कराया गया, जिसके द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर निगाह रखी जा रही है। उन्होंने किसान भी कहने लाग रहे हैं कि जो ये सैटेलाइट से इन पराली जलाना तो जरूर देख ले, लेकिन जब इनकी फसल खराब हो गई जब खेता में आग लाग गई तो सैटेलाइट उन्हें क्यों ना देखती। स्तर पर टीम बनाई हुई है जिसमें कृषि विभाग का एक कर्मचारी है, एक पटवारी है और एक ग्राम सचिव है। तो गांव स्तर पर टीम है, एक ब्लॉक स्तर पर टीम बनाई हुई है, तो वो निगरानी कर रहे हैं। जो भी किसान अगर अर्शक एक अर्शक से दिल्ली यहाँ वो आ रही है लोकेशन कहाँ कहाँ आग लगी है, तो उस लोकेशन की वो हम जाँच कर रहे हैं। मौके पर जाके जो ग्राम स्तरीय टीम है तो वो उसका पूरा वो एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के फिर हम उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं, और इसमें जो आगे जो जुर्माना है या FIR करवानी है वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट करवाएगा। हमारे इस बुलेटिन में आज खातर इतनी खबर है, लेकिन हमारे चैनल पर खबरों का जो सिलसिला है वो 24 घंटे जारी है। देखते रहियो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारे ने।